एक ऐसी बात बताने आया हूँ जो आपने कभी सुनी, जो आपने कभी ना सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। मैं पंकज कुमार, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। इस बात को जानने से पहले आप हमें इस बात को बताइए कि एक कोमा पेशेंट में और एक नॉर्मल पेशेंट में क्या अंतर होता है। अब आप सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, अभी तो वो हमें दिमाग की उस बात को बताने ये बोल रहा था, अब ये नॉर्मल पेशेंट और कोमा पेशेंट में कहाँ। फिर ये इसी का पार्ट है, आपको मैं बताता हूँ कि कोमा पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट में क्या अंतर होता है। नॉर्मल पेशेंट क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें इफेक्ट होता है, और जो कोमा पेशेंट होता है उसका ज़्यादातर होगा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होता है, बट उसका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इससे हमें क्या समझाती है कि हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा तो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही किसी काम का नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए आप मान लो आपके पास एक फ़ोन है, न्यू फ़ोन है, आईफोन समझ लो, या कोई भी फ़ोन किसी भी ब्रांड का हो, उसमें आपने सिम नहीं डाली तो वो किस काम का होगा, वो एक सिर्फ बॉक्स ही रह जाएगा ना। जैसे फ़ोन के लिए एक सिम जरूरी है, एक शरीर के लिए दिमाग होना जरूरी है। अगर पशुओं में भी दिमाग नहीं होता, अब आप बोलोगे पशुओं में दिमाग कहाँ होता है, पर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता जितना हमारा दिमाग होता है। वो उनको इतना दिमाग होता है नहीं, वो घास खाएंगे, अगर उनको दिमाग नहीं होता तो वो प्लास्टिक या कुछ और भी खा सकती थी, वो लकड़ी भी खा सकती थी, पर क्यों, उन्हें दिमाग है कि वो घास खाएंगी। यही दिमाग का काम है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके दिमाग के टू पार्ट होते हैं। आप नहीं मानोगे इस बात को, तो इसलिए हमारे पास इसका प्रूफ भी है। आप जब सोते हैं तो आपका सपने आते हैं, तो वो किससे आते हैं, आपके दिमाग से ही आते हैं ना। तो अगर आपका एक ही दिमाग सुबह भी काम करेगा और शाम को भी काम करेगा तो आपका दिमाग तो थक नहीं जाएगा, आपको दिमाग में दर्द नहीं होगा। इसलिए हमारे ईश्वर ने क्या किया है, हमारे दिमाग को टू पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के काम बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड। ये हमारा जैसे हम डेली यूज में इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे हम जागते हुए जो भी काम करते हैं, कोई डिसीजन लेना हो या फिर कोई रूल बनाना हो, कुछ भी, तो हम कॉन्शियस माइंड से बात काम करते हैं। पर जब हम सपने देखते हैं या फिर कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं या फिर कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, हमें सब कॉन्शियस माइंड में। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी तालाब में नहा रहे हो और आप वहाँ पे डूबने लग पड़े, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात एकदम से फीड हो जाएगी। और सब कॉन्शियस माइंड आप जब भी किसी नज़दीक पानी के नज़दीक जाओगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि इससे आपको खतरा है। ये होते हैं सब कॉन्शियस माइंड के काम। आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे होंगे, उन्होंने कई साल बिना खाए बिना भोजन किए रहते थे, उन्होंने अपने मन और दिमाग को कंट्रोल किया था, उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को ऐसे इस्तेमाल किया जो उनके ही लिए वो यूजफुल हो गया। और सब कॉन्शियस माइंड ने कई काम अपने कॉन्शियस माइंड को करने को बताया, और कॉन्शियस माइंड वही काम हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में किया। अब आप बोलोगे कि कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को और सब कॉन्शियस माइंड को क्यों बताएगा, इसके पीछे भी आपको मैं एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ और एक प्रोग्राम बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉन्शियस माइंड जो है वो एक पानी है, ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड एक पॉट है, ग्लास है, जग है, कुछ भी मान लो आप। तो पानी जब आप किसी भी पॉट में डालते हैं वो उसी का स्ट्रक्चर लेता है ना, जैसे कप में डालोगे कप का, जग में डालोगे जग का, यहाँ तक कि आप पूल में डालोगे तो पूल का, तो वही काम करता है हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे पानी जो है वो कॉन्शियस माइंड है और कप जो है वो सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जैसे आप मान लो आपको बताया था मैंने पानी वाला उदाहरण, सब कॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया। अब सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको कॉन्शियस माइंड में डालेगा कि
जब भी आप नजदीक पानी के नजदीक जाओगे तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि नहीं इससे आपको खतरा, आपको डर लगेगा, अंदर से डर आएगा, वो कॉन्शियस माइंड में आएगा। और कॉन्शियस माइंड में कहाँ जाएगा? सब कॉन्शियस माइंड में। तो इसी तरह से सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है। कईयों ने, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और कई बड़े बड़े मिलियनर्स, उन्होंने ये बात जानी और अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से वर्क किया। आज उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस पाई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वो कैसे? अब आपको मैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में उन बातों को डालने को बताता हूँ कैसे। जब भी आप सोने से पहले 5 मिनट आपने वही सोचना, जैसे मान लीजिए आपने सोचना है मुझे वो जॉब चाहिए, तो आपने क्या सोचना, हाँ मुझे वो जॉब मिल गई है, मैं वो कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मुझे गाड़ी मिल गई, गाड़ी चाहिए आज, मैं हाँ मुझे गाड़ी मिल गई, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे घूमने जा रहा हूँ या अपनी फैमिली के साथ टेम्पल में जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें चले जाएंगी। और सबसे ज़्यादा कब जाती है? रात को सोने से 5 मिनट पहले, क्योंकि तब कॉन्शियस माइंड भी बंद होने वाला होता है और सब कॉन्शियस माइंड भी चालू होने वाला होता है। उस टाइम जो भी बात आप अब सब कॉन्शियस माइंड में डालोगे वो हमेशा के लिए उसमें फील हो जाएगी और वो सब कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड में डालता जाएगा। तो आपको उसी टाइम वो बातें बोलते जाना। मैं इसको माइंड मैजिक के नाम से भी बोलता हूँ इस टेक्निक को। तो आपने उस टाइम वो बातें डालते जाना है, उससे क्या होगा, सब कॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस माइंड को इनडायरेक्टली वो इंस्ट्रक्शन देता रहेगा और कॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को उसी तरह से चेंज करता जाएगा। देखते देखते जाना आप, धीरे धीरे आपकी लाइफ वैसे ही होती जाएगी जैसे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बताओगे। तो ये थे कुछ सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के टेक्निक। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात है इन पक्षियों के ऊपर, जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है, आजकल सबके लिए पानी बहुत जरूरी है, इनके लिए भी पानी बहुत जरूरी है। कई पक्षी बेचारे तो पानी के बिना ही मर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने छतों में, अपने घर के छतों में, अपने आंगनों में या फिर बालकनियों में, बहुत जहीं पे कहीं भी आपको जगह मिले वहाँ पे आपको पानी के कुछ इंतजाम इनके लिए कर देने, जैसे छोटे से पॉट में पानी रखा हो रही। पर हाँ, आप उसको रोज चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप रोज नहीं चेंज करोगे तो उसमें मच्छर आएगा और वो आपके लिए भी खतरनाक होगा और वो पक्षी भी गंदा पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, आप हमें बता भी सकते हैं कि हमारी अगली वीडियो किसके लिए होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।